हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। हेलो फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही पढ़ा कि प्रोडक्ट नहीं सपने बेची। आज के आधुनिक दौर में इंसान चारों ओर से ऐड से घिरा हुआ है। टीवी, न्यूज़पेपर या मोबाइल या इंटरनेट, हर जगह ऐड ही ऐड है। फ्रेंड्स, कभी ध्यान से देखिए कि ऐड में प्रोडक्ट के साथ साथ क्लाइंट के इमोशंस और सपने को टच करने की, उन्हें बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि बॉर्नविटा में ऐड को जी से जोड़ा गया है, उसकी टैगलाइन ही है बॉर्नविटा तैयारी जीत की। रिन का ऐड देख लीजिए, उसमें भी अपने सपने बिल्ड किए गए हैं और टैगलाइन है चमकते रहना। संतूर सोप में ऐड को इस तरह दिखाया गया कि सोप के इस्तेमाल से आपकी एज कम लगेगी, आप हमेशा यंग रहेंगे। यानी कि हर ऐड में सपने ही बेचे जाते हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि इंसान प्रोडक्ट तो भूल सकता है लेकिन वो अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को कभी नहीं भूलता। तो एक इंश्योरेंस एजेंट क्या बेचता है? एक इंश्योरेंस एजेंट बेचता है सिर्फ पॉलिसी। जैसे कि सर, ये जीवन लाभ पॉलिसी है, ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, इसका इतना रिटर्न मिलेगा। आपने बहुत समझाया पर बात उनके दिमाग तक तो पहुंची लेकिन उनके दिल तक नहीं पहुंची। तो दिल तक कैसे पहुंचाया जाए? तो इसका जवाब है कि आप अपने क्लाइंट के सपने के बारे में पूछने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करें कि वो अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, वो उन्हें किस कॉलेज में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, वो अपने रिटायरमेंट के बाद की लाइफ कैसे चाहते हैं, वो अपना कैसा घर चाहते हैं। और ये सब आपको तब पता चलेगा जब आप उनसे खुल के बात करेंगे, बिना पॉलिसी के बारे में सोचे आप उनसे सवाल करिए, उनसे बात करिए और उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। तब उनके सपनों के साथ अपनी पॉलिसी को जोड़िए कि सर, आपकी बेटी की शादी का पूरा खर्चा LIC का जीवन लक्ष्य से हो सकता है। तब उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं कि सर, आपको आपकी बेटी की मैरिज पर 27 लाख रुपये, 27 लाख रुपीज़ मिलेंगे, वो भी सिर्फ 100 रुपये या 200 रुपये की बचत पर। और तब देखिए कि आपका प्रोडक्ट, आपकी पॉलिसी कितनी जल्दी सेल होती है, वो भी बिना रिबेट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।